चलाने वाली है, छाता लेके आना पड़ेगा। अरे यार भाई बाहर तो बारिश हो रहा है, गाड़ी तक जाने के लिए भी छाता का यूज करना पड़ेगा। हट जा। ये क्या छुपा के ले जा रहा है, ये नहाने जा रहा छत पे कहीं। छाता तो फंस गया मेरा इधर ही। अब ये रखो सामान इधर। और यार पानी तो यार है यार, वैसे काम तो चल ही जाएगा आज का। चलो देखते हैं, बस छाता छोड़ा हूँ बस। ओ भाई बहुत तगड़ी उमस हो गई यार। अरे यार जल्दी से एसी ऑन करो भाई। अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी और देखना जरा बारिश बिल्कुल ही खत्म। बारिश खत्म होते इतनी तगड़ी उमस हो गई भाई गाड़ी के अंदर, तो बहुत ज्यादा उमस हो गई। हेलो भाई, स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में और एक नई दिन में। तो भाई आज दिन है संडे का और मैं आज भी निकल गया हूँ काम पर। और भाई टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे थे, 2:38 हो रहे हैं भाई। तो भाई 2:38 दिखा देता हूँ मैं आपको टाइम, ये हो रहा है। तो मैं निकल गया हूँ अभी भाई। बारिश हो रही थी सुबह, मतलब कि थोड़ी थोड़ी हो रही थी रुक के, और अभी बंद हो गई है। तो चलते काम पे भाई। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है ना कि आज सर्च लगेगा तगड़े वाला, क्योंकि बारिश में हमेशा सर्च लगता है और किराया मिलता है 2-3 गुना बढ़ के। अरे ये तो इसको साइड दे रहा हूँ, ये मुझे साइड दे रहा है। चलो कोई नहीं, सही है। मैं तो पीछे भी होने लग गया था रिक्शे वाले के लिए, लेकिन रिक्शा वाले ने शायद देखा नहीं मेरे को पीछे होते हुए, तो फिर ये खुद पीछे हो गया। तो ठीक है, इसका फ़ोन आ रहा है यार। अरे यार एक सेकंड। तो भाई मैं हो गया ऑनलाइन। और यार भाई ऐसा यार अब पता है बहुत होने लग गया है। देखो आज ना बारिश हुई है और देखो यार बिल्कुल भी सर्च नहीं लगा। सर्च लगा होता ना तो ये लाल लाल से धब्बे लगे होते हैं ना, लाल पीले से धब्बे लगे होते हैं पूरे मैप पे। और भाई बिल्कुल भी यार धब्बा नहीं है यार, अब तो होता ही नहीं है भाई। पहले तो ऐसा था ना 2021-22 के टाइम पे, तो भाई ऐसा था कि बारिश होने के बाद तो भाई पूरा मैप ना लाल लाल हो जाता है। ये देखो ऐसा जैसे ये अभी दिख रहा ना ये लाल धब्बा, तो ऐसी पूरी दिल्ली होती थी भाई। अभी देखना कुछ भी नहीं हो रही, बहुत थोड़ी सी लटक के जा रहा है पीछे। तो और किराया भी वही मतलब नॉर्मली किराया मिल रहा है भाई। उस समय तो 2x 3x ना किराया है ना हमेशा इंक्रीज होता था। अभी यार पता नहीं क्या है ऐसा कि मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐप आ गए ना दुनिया भर के, तो ऐप आ गए कैब के, तो इस चक्कर में ना वो काम डिवाइड हो गया है, तो अब ना सर्च नहीं लग पाता। तो ये यार एक गलत चीज़ हो गई हम लोग के साथ। तो चलो कोई नहीं, ऑनलाइन तो हो गया, ड्यूटी भी आई रही है। जाता हूँ यार पहले मैं गैस लूँगा, और ड्यूटी आएगी तो ड्यूटी भी पिक कर ही लूँगा, क्योंकि गैस तो अभी है 3 पॉइंट है। नई दिल्ली छोड़ना होगा तो वहाँ भी छोड़ देंगे, फिर कनाट पे, फिर नई दिल्ली स्टेशन के बाहर ही CNG पंप पे वहाँ से गैस ले लेंगे। नहीं तो कश्मीरी गेट से भी गैस ले सकता हूँ है ना, सवारी को बिठा के निकल लूँगा है ना। टाइम तो लगता नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार भाई यार इस पंचर वाले के दुकान पे आया था इस बंदे ने, तो हवा ही नहीं डाली, मना कर दिया भाई। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा है ना कि टैक्सी वाले पैसे नहीं देते, फ्री में हवा डलवा लेते हैं, तो इस चक्कर में उसने मना कर दिया। कह रहा है भाई कंप्रेसर चालू ही नहीं है, बोला चालू कर लो, तो कह रहा है नहीं भाई बारिश हो रही है, पता नहीं क्या है। अभी CNG पंप पे एक और है हवे वाला, वहाँ चल के डलवाते हैं गैस। और भाई ड्यूटी भी आ गई मेरे पास, ये देखो यूसुफ सराय की आई है, साउथ दिल्ली में कोई है, और किराया भी ठीक ठाक दिखा रहे हैं। तो चल रहे इनको पिकअप करने, इनको चलो फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मैं गैस डलवा रहा हूँ, और गैस डलवाते जा रहा हूँ आपके पास। तो भाई बात हो गई है इनसे, और बता दें मैंने कि मैं गैस के लाइन में लगा हूँ, गैस लेके आ रहा हूँ। और यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, बहुत थोड़ी सी हुई होगी तो हुई होगी, ये तो पूरा एकदम सूखा पड़ा है भाई ये देखो। और यहाँ तो आसमान भी साफ दिख रहा है। तो भाई ले ली है हमने गैस, चलते हैं इनको पिक करने के लिए। अरे यार हवा नहीं डलवा पाया भाई, अब इनको छोड़ने के बाद ही हवा डलवा लूँगा। चलो कोई नहीं भाई, मेरी सवारी आ गई है। वो देखो वो जो गली के कोने पर सामान रखा है ना ये वाला, ये सब उन्हीं का ही है। पता नहीं यार लग रहा सामान शिफ्ट कर रहे हैं।
तो भाई गाड़ी में मेरा सामान आ गया यार, कुछ इस तरीके से आया यार। तो भाई ये ड्यूटी मेरी हो गई कंप्लीट। और ये कहाँ कह रही, मंडी हाउस, इसको छोड़ो भाई। 322 रुपये मिले मेरे को, और गाड़ी चली है 28 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है भाई, 59 मिनट में मैंने ट्रिप कंप्लीट कर ली है। तो अभी मैं यहीं हूँ, एम्स के पीछे वाले रोड पर हूँ, और यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, फिर देखते हैं कोई बढ़िया सी ड्यूटी। ड्यूटी तो खैर आ ही रही है, निकलता हूँ मैं बाहर की तरफ, कोई गुड़गांव उड़गांव की ड्यूटी मिल जाए तो यार सही रहेगा। और भाई गैस तो मैंने ले ली थी, देखे जरा अभी कितनी गैस बची है। अभी है जो अभी तो 2 पाउंड कम हुए भाई। तो ओ भाई बारिश होने लगी धीरे धीरे, तो अभी गाड़ी पहले बाहर निकाल लेते। तो भाई मैं पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, और यार हवा डलवा लेता हूँ, वहाँ पे उसने मना कर दिया था, यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे होगा तो सही रहेगा यार। हवा डालने वाला भाई, अरे यार यहाँ भी नहीं है यार हवा डालने वाला बंदा, है ही नहीं, पता नहीं कहाँ। अच्छा ये तो रहा, ये कौन सी हवा डाल रहा है, नाइट्रोजन। तो देखता हूँ आ जाएगा तो ठीक है यार, इधर की तरफ डाल तो रहा है, शायद यहाँ भी डाल ही रहे। तो भाई गाड़ी में डल गई गैस भाई, अगले टायर में ना दोनों भाई 47-48 PSI था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा था, और पिछले वाले में दोनों में कम थे। नहीं भाई तीन टायर मेरे ना एक्स्ट्रा हवा था, 47-48 इस टाइप का हवा था, और जो पीछे मेरा लेफ्ट वाला टायर है इस साइड का, उसमें मतलब कि खाली कम था, उसमें था 28 प्रेशर। तो सही है भाई, हवा मैंने ना कम करवा लिया, 40-40 करवा लिया चारों में, तो मतलब कि मेरा तीन टायर एकदम परफेक्ट है, और पीछे का जो कोने वाला टायर है लेफ्ट हैंड के पीछे वाला, वो पंचर लग रहा है, तो उसको बनवा लूँगा। अभी तो खैर छोटा पंचर है, तीन दिन में हवा थोड़ा सा कम होता है। तो देखते कोई कोई ड्यूटी बढ़िया सी, और फिर चलते हैं फिर कहीं। तो भाई बस 1 मिनट बैठने के बाद एक बढ़िया सी ड्यूटी आ गई गुड़गांव एम्बियंस मॉल की, और भाई ज़्यादा दूर से पिकअप भी नहीं आया, बस 280 मीटर आगे जाना है। ये देखो 1 मिनट में पहुँच जाएंगे, एक बार देख लेता हूँ उसका लाइव लोकेशन आ रहा है नहीं आ रहा, लाइव लोकेशन तो नहीं आ रहा, कॉल कर लेता हूँ। और चलते हैं फोन करते हुए। सर उबर से बोल रहा हूँ। हाँ जी आ गए आप? हाँ जी सर मैं आ गया, आप आ जाइए। ठीक है 1 मिनट दीजिए, बस चल के पहुँच रहा हूँ। ओके सर ठीक है। तो ठीक है भाई बात हो गई है, और लोकेशन पे मैं पहुँच ही गया हूँ बस, तो अब चलते हैं गुड़गांव। तो भाई ये ड्यूटी भी हो गई मेरी कंप्लीट, और एम्बियंस मॉल पे छोड़ दिया मैंने सर को, पीछे है एम्बियंस मॉल। और भाई मुझे इस ट्रिप पे मिले हैं 257 रुपये। गाड़ी कितनी चली है भाई, गाड़ी चली है 18 किलोमीटर गाड़ी चली है, और आधा घंटे का टाइम लगा है भाई। यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, पीछे क्रेन वाले आए हुए हैं हॉर्न बजा रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा आगे, चलते हैं साइबर सिटी की तरफ, चल के देखते हैं कोई ड्यूटी वगैरह बजेगी। अभी तो मैं गुड़गांव के अंदर भी एक तो ड्यूटी कर सकता हूँ, है ना, गैस है गाड़ी में बहुत। तो भाई मैं यहाँ पे आ गया, पेड़ के नीचे आराम से छांव में खड़ा हो गया। ये मेरे राइट हैंड पे साइबर सिटी है उधर की तरफ, और आराम से यहीं पे वेट करूँगा भाई कोई अच्छी सी ड्यूटी आने का। और तो कोई जगह मिली नहीं खड़ी करने की, यहाँ पर खड़ी कर लिया। यहाँ पर भी वो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं खड़ी नहीं करने के लिए, लेकिन आज संडे का दिन है तो शायद कुछ ना बोले, देखते हैं। इसका है 3500 का, 35,000 का यार, 3500 क्या करोगे भाई। बैठे बैठे आधा पौना घंटा हो गया, और भाई अभी तक एक भी ड्यूटी ढंग की नहीं आई। तो यार मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे आके खड़ा होता हूँ थोड़ा। एक एक भाई मिल गया मेरे को, है ना, उसके पास अल्टो है,
छोटी सी है लेकिन भाई पता है वो कितने का काम करता है, वो डेली 3-4 हज़ार रुपये का काम करता है भाई। मैं तो देख के चौंक गया, मेरे तो बस की भी नहीं इतना काम करने का, मेरा तो 1000 रुपये बच जाते हैं मैं उतने में खुश हो जाता हूँ। और भाई वो जब तक 3-4 हज़ार रुपये का काम ना कर लेना भाई, 1500-1700 का तो काम उसे वो करके बैठ गया अभी तक है ना, वो ज़्यादा देर काम भी नहीं करता, बस वो 10-12 घंटे काम करता है, इतने देर में वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। अभी मैं आपको बात कराता हूँ उससे, थोड़ा सा आगे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, अभी वहाँ पर रोकेगा, साइड में खड़े होते हम। भाई यार उसके पास तो ड्यूटी आ गई है ना, सवारी लेके भाग गया वो, अभी मैं रह गया यार, अभी ड्यूटी मेरी बज रही थी, पता नहीं क्यों उसके पास भाई ड्यूटी बजे जा रही थी यार बहुत देर से, जब मैं ऐसे बात कर रहा था वो उस टाइम भी ओला पे उस पर कंटिन्यू ड्यूटी बज रही थी लेकिन मेरे पे नहीं बज रही थी यार, पता नहीं क्यों। अभी देखो अभी हम यहाँ साइड में आए थे खड़े होने के लिए, तो अभी भी उसके पास ड्यूटी बज गई और वो लेके चला भी गया और मेरे पे अभी तक बज ही नहीं रही, पता नहीं क्या बात हो गई यार। भाई टाइम देखो क्या हो रहा है, 7:29, 7:30 बज गए भाई, और करीब करीब भाई 2.5 घंटे मेरे को वेट करने के बाद जाके अब ड्यूटी मिली है मेरे को, ये कालका जी की, वो भी कहाँ से भाई, एमजी रोड से भाई, मैं भटकते भटकते एमजी रोड आ गया, लेकिन ड्यूटी एक भी ढंग की नहीं मिली थी यार, बजी नहीं रही थी यार, एक आधी बज रही थी वो भी ये लोकल की, तो यार लोकल यार करना नहीं था मेरे को, तब जाके ड्यूटी बजी कालका जी की, वो भी मैंने डेस्टिनेशन लगा रखा है घर का, तो जाके भाई बजी कालका जी की। तो चल रहे इनको पिक करने के लिए, इनका लाइव लोकेशन भी आ गया मेरे पास, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। बताओ भाई संडे के दिन 2.5 घंटे में आराम से भाई 700-800 रुपये का काम हो जाता है आराम से। तो भाई मैं पहुंच गया कालका जी मंदिर के पास, और भाई ड्रॉप करने से पहले एक ड्यूटी और आ गई मेरे पास मुखर्जी नगर की, तो जा रहा हूँ मैं उनको भी पिक करने के लिए, उनको मैंने मैसेज कर दिया, उन्होंने सीन तो कर लिया है और इनका लाइव लोकेशन भी आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अब इनको पिक करने के लिए। और मुखर्जी नगर से तो फिर भाई अब मैं घर ही जाऊंगा, और मुझे भाई आज लगता नहीं क्या ज़्यादा मेरी अर्निंग हुई है, अभी कितने रुपये हो गए भाई, 874 रुपये का काम है मेरा अभी तक, और 250 रुपये और मिलेंगे यानी 1100-1200 रुपये तक का काम होगा। तो आज का दिन तो भाई मेरा ऐसे ख़राब सा हो गया बिल्कुल ही गुड़गांव जाकर। चलो कोई नहीं, अब जहाँ से इनको पिकअप करना है ये NSP से पिक करना है, सॉरी वो नेहरू प्लेस से पिक करना है, और पहुँच जाऊँगा मैं 1 मिनट में, पास में ही है मेरे ख्याल से, ये मेट्रो के गेट के पास ही खड़ी है, चलो देखता हूँ मैं किधर खड़े। तो भाई ये ड्यूटी मेरी हो गई कंप्लीट, और जो गुड़गांव से मैं आया था कालका जी उस वाले ट्रिप पे मेरे को मिले थे 294 रुपये, और गाड़ी चली है 29 किलोमीटर, और भाई जो मुखर्जी नगर वाली है उस पर गाड़ी चली है मेरी 27 किलोमीटर, और पैसे मिले हैं 263। तो भाई अब तक 4 ट्रिप कर ली मैंने, और 1138 रुपये का काम हो गया, इसमें से 200 रुपये मैं वो ऐड करूँगा हरियाणा के और MCD के, तो 1300-1338 रुपये काम हो गया मेरा आज का, और भाई 9:30 हो रहा है, तो मैंने तो सवारी छोड़ दी, और 1338 में से गैस मेरी गाड़ी का लग गया होगा 350 रुपये के आसपास लग गया होगा, तो ये भाई 950 और 1000 रुपये के आसपास मैंने कमाया है आज के दिन, कुछ ज़्यादा खास यार कमाई हो नहीं पाई यार, वो गुड़गांव में जब मैं गया ना, अरे यार पता नहीं क्या था यार गुड़गांव में आज ड्यूटी भाई बजी ही नहीं कोई, इतनी देर तक 2.5-3 घंटे मेरे ख़राब कर दिए। तो अभी तो मैं अब भाई बर्गर खाने के लिए आ गया हूँ यहाँ पे, बर्गर खाऊँगा और भाई जाऊँगा घर, तो इस ड्यूटी को भाई मैं रखता हूँ यहीं तक, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।